और भाई यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? और भाई गुटखा खिला रहे हो क्या? पैसे नहीं है जहर खाने के लिए, तुम आ गए गुटखा खाने। बड़े आए गुटके की बात करने वाले। तो तुम पर होते ही कहो, मौका देख कर अकेले में खा लेते हो, खिलाने की बारी आए तो पैसे खत्म हो जाते हैं। जेब में तो पड़ा है, दिख रहा है हमको, लाओ हम तीनों मिल बांट कर खाते हैं। ये लो तुम ही खा लो सब, मुझे नहीं खाना। साला जहर भी अकेले नहीं खाने देते, गुटके में भी हिस्सा चाहिए। अपने लिए इतने चालाक क्यों बनते हो? मेरे रजनीगंधा के डिब्बे से तो भर भर बुक्का खाते हो तब। क्या क्या रजनीगंधा है? रजनीगंधा कभी पता किया है मार्केट में जाके कितने का आता है? और नहीं तो क्या, रजनीगंधा खाता है भाई, हमको भी खिलाता है, तुम भी तो खाते रहते हो। तुम भी पागल बन गए, रजनीगंधा खा लेंगे और दूसरों को खिला भी देंगे। मैंने परसों देखा था, कबाड़ में से खाली डिब्बा खोज रहे थे दुकान के सामने, उसी को उठाया, उसमें 5-5 रुपए वाली दो राजश्री डालनी, बन गया रजनीगंधा। ये है इनका रजनीगंधा। अरे अंदर राजश्री है तो क्या हुआ, डिब्बा तो रजनीगंधा का है। तो इसका मतलब हम तुम्हारे कपड़े पहन लेंगे तो क्या हम तुम हो जाएंगे? हाँ हो जाओगे और क्या। तो ठीक है कपड़े तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? भाभी जी के पास। क्या कपड़े चेंज करके भाभी जी के पास जाने का क्या मतलब है? इसी ने तो बोला इसके कपड़े पहन के हम तुम बन जाएंगे। अबे रुको, फ्री का गुटका भी खाते हो, अब बीबी भी फ्री में चाहिए है? एक गुटका खिलाने के लिए 50 बातें पढ़ा दी। और नहीं तो क्या, ऐसा ही है लफदर। बातें नहीं, अब बुरादा बचा है। मोटी मोटी सुपारी तुम दोनों खा गए, अब मैं क्या खाऊं बुरादा? एक तो ये लुक्कड़ जाने कहाँ मर गया है, जाके दुकान बंद की है सुबह से, दुकान ही नहीं खोली है, जाने कहाँ मर गया। अब बुरादा खाए हम? बुरादे में ही तो असली मजा है भाई। कड़ीदा मजा है, हर चीज में तुम लोग हिस्सेदारी मांगते हो। कल मेरी बीबी के लिए भी मांगोगे हिस्सेदारी? जब गुटके में कर लेते हैं तो उसमें भी कर लेंगे, दोस्ती पक्की है, कच्ची थोड़ी ना है। वैसे भी भाभी जी कमाल का जुबान संभाल के बात करो। तारीफ कर रहा था भाभी की। दूसरों की बीबी के लिए सड़क पर नंगे हुए जा रहे थे, अपनी की बात आई तो कायदे कानून तमीज। हाँ वो मेरी पत्नी है, ठीक है समझे, कायदे कानून सुनाऊंगा, दिखाऊंगा तमीज। अच्छा बेटा, मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा टॉमी मतलब तुम्हारी बीबी पत्नी, उसकी आइटम, ये सही है। और भाई अकेले अकेले गुटखा खा रहे हो? हाँ खा रहे, बताओ तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? तो हमको भी खिला दो। क्या लल्ल आदमी हो? पहले सही रहते बोले है तुम्हारा के गुटखा खाने। लल्ल किसे बोला है? तुम्हारी शक्ल लगती है लल्ल जैसी, तो तुमको बोला लल्ल। हाँ लगते तो हो तुम एकदम लल्ल। लगता क्या है ये लुल्ल? अच्छा मैं लुल्लू? और तुमसे हम लोग क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुम लुल्ल हो। गुटका ठीक के बात करिए, 5 रुपए का आता है, गुटका ठीक के बात करिए। बड़े आए हम लुल्ल नहीं है, टाइगर नाम है हमारा, टाइगर। वाह बेटा वाह, पिछवाड़े में पाद नहीं और नाम टाइगर। पिछवाड़े में पाद भी है और मोनू भाई का चुनाव चिन्ह दोनों है। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। लुल्लू यहाँ पे क्या करने आया है? गुटखा खाने आया होगा पक्का। ए तुम कट लो जल्दी से, कट लो, दिमाग खराब कर दिया बेटा, निकल लो जल्दी से, बता रहे निकल लो निकल लो। चलत LELL। ये भाभी बिस्किट मंगा रही है। मंगाने दो भाभी, सारे दिन खाती रहती है। पीठ पीछे देखो कैसे बोलते रहते हो, सामने आ जाए तो बोलती बंद हो जाती है। कितना डरते हैं अपनी बीवी से। मुझे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि मैं पिछवाड़ा भी खुजलाता हूँ खंजर से। यहाँ बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं फुफ्फू के साथ, वहाँ बिटिया रो रही है बिस्किट के लिए, कहाँ है बिस्किट? तुम जैसी अच्छी जगह इस पत्नी में क्या कर रही हो? मेरा मतलब तुम जैसी अच्छी पत्नी इस जगह क्या कर रही हो? कहाँ है बिस्किट? मिले नहीं, दुकान बंद है। पैसे नहीं है। पैसे कहाँ गए? इस भिखारी को दे दिए क्या? भिखारी नहीं है, हम लुल्ल है, मेरा मतलब टाइगर है। जो भी हो बने रहो। ए पैसे कहाँ है बताओ? गुटका खा लिए पैसों का। क्या मतलब? क्या परसों 1 किलो चीनी मंगाई उसमें से 5 रुपए की कम लेके आए, सब्जी मंगाई तो उसमें भी 5 रुपए का घपला। तो क्या कर, तलब लगती है, तुम देती नहीं हो पैसे तो कुछ तो घपला करना पड़ेगा। अच्छा रुको, अब हमें भी बहुत तलब लगी है, बताते हूँ तुमको। Oh, 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 oh,